ये आपका फैमिली का नाम क्या है? एलावादी फैमिली। मुंजाल फैमिली। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए? हम लोग भी अभी दिल्ली से आए, मतलब मेरे फ्रेंड है ये लोग, लेकिन हम लोग एक्चुअली अमेरिका यूएस है। अभी एक महीने पहले आए, अभी बॉम्बे करके दिल्ली करके यहाँ पे आए। नाम बताइए, एक नाम बताइए। मेरा नाम सिम्मी है। सिम्मी। एलावादी। एलावादी। लव दरेश। ईशा। अनु। मुंजाल। मुंजाल अनु। अनु मुंजाल। अच्छा, देखिएगा जब अमृतसर का वाला ब्लॉग आएगा तब देख लीजिएगा। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। ओके, एक महीना लगेगा वैसे इसको आने में, क्योंकि कोई इश्यूज नहीं है, हम आपको सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल से निकल के अभी डायरेक्टली जा रहे हैं केसरदा ढाबा में, जो 100 ईयर्स पुराना ढाबा है। और यहाँ पे बहुत ही सुना है, बहुत ही फेमस खाना मिलता है और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ का खाने का जो रिव्यू है हम आपको देंगे। गलियों से निकलते हुए हम लोग ये रिक्शा के ले लिए और गलियों से निकलते हुए हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और आपको एक्सपीरियंस बताएंगे केसर का ढाबा में क्या क्या मिलता है और क्या क्या टेस्टी है और हाउ वाज द एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए केसरदा ढाबा में और अभी आप लोग अंदर जाएंगे और इसका मज़ा लेंगे। इसका जो जो मिलता है, अब अंकल जी से मिलाएंगे आपको और ये अंकल जी हमको बोलेंगे कि इसका स्पेशलिटी क्या है। तो केसरदा ढाबा जो है अमृतसर में है, यहाँ पे देख सकेंगे, ओवर द 100 ईयर्स ये गली के अंदर है, आपको यहाँ पे घूमना पड़ेगा। तो चलिए अंदर जाते और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। सो अंकल जी, आपका नाम बता दीजिए फिर एक बार। मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं वैसे दिल्ली से हूँ बट मेरा अमृतसर में भी घर है। ये मेरी वाइफ है जसप्रीत, ये टीचर है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और हम लोग भैया, हमें ट्रेन में मिले, इतनी प्यारी मुलाकात हुई कि कोइंसिडेंटली आज हम दोबारा मिले। कहाँ पे? केसर के ढाबे पे। इनको मैंने ही सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्ट किया था। केसर का ढाबा मेरा फेवरेट। बढ़िया सर जी, बढ़िया। ये दिखाई हमको थोड़ा सा। तो बढ़िया सर जी, आपसे मिला मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी फैमिली से, सारी फैमिली से मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी फैमिली से मिलकर बच्चे कल वो ट्रेन में खेल रहे थे, खेल रही थे ना हमें बचपन याद है ना। ये लोग ये दोनों काम से आज खेल रहे थे। किसी से फ्रेंड है ये दोनों? ये लोग दो साल के थे, तब से फ्रेंड है। मैं कलकत्ता गया, देखिए अपना बचपन याद आ रहा है। कलकत्ता में हम लोग बहुत बहुत बोला है ना, वहाँ के बस चले गए, पर फ्रेंडशिप वही थी। थैंक यू। शताब्दी का खाना नहीं खाना, मेरा खाना है। शताब्दी का खाना थोड़ी खाना है, गुरुद्वारे पहुँचना था सीधा। हम बॉम्बे से आए, राजधानी से आए दिल्ली तक। राजधानी का खाना अच्छा था, हम लोग फर्स्ट क्लास में आए थे तो वो खाना बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास का खाना वहाँ पे बनता है। हाँ, और क्या फेमस है? ट्रेवल यूट्यूब सर्च, मेरे को दीजिए, मैं टाइप कर देता हूँ। ट्रेवल देखो, ट्रेवल लिखो, फूड नहीं, एक साथ में ये ट्रेवल फूड। हाँ, एक साथ है, अलग अलग है। एक 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 फूड ऑफ पेडिया। नहीं, मेरा नाम एक मिनट। हाँ, इसका नाम
मेरा नाम लव। लव और देर ओके, ये सर्च कर रही है यहाँ पे, जाके सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्त जहाँ पे है और बोलो अमेरिका से हम लोग अमेरिका में, ठीक है ना। और इस चैनल में देखोगे क्या देखना चाहते हो तुम, खाना पीना पूरा वर्ल्ड का, हम लोग वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं, यूरोप पूरा डालेंगे, पूरा डालेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ट्रेवल फोटोपीडिया हाँ यूरोप। ये हो गया राइस, राइस साहब मलाई कोफ्ता, दो दाल फ्राई, दाल फ्राई कौन सी है, ये दाल दो मलाई कोफ्ता, दो मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया, ये दाल है और ये मलाई, ये मलाई कोफ्ता हो गया और ये सेम दाल है क्या दोनों, ओके अब आप एक एक पराठा और दाल अपना शेयर कर लीजिए, अब मैं चलता हूँ, ओके सर, आप भी बताइएगा मेरे को, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर मील, या थैंक यू उनको दे, सो इतना जो तारीफ सुना है, इतना जो तारीफ सुना है अभी देखते क्या है, ये हो गया पीली दाल एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड है, देखो खाए दाल विद दिस वन, इसको घी दूंगी एक बार, पूरा प्योर घी बनाए, पूरा प्योर घी बनाए, प्योर घी देसी घी, हाँ बोलते दाल दाल अल्टीमेट ऑल गुड, तुम्हारा कितना लगे हाउ इज लाइक और यू नीड दैट, ओके आई थिंक या आर यू लाइकिंग इट, ओके गाइस तो हम लोग अभी खाते हैं और इसके बाद रिव्यू तो दे दिया, अभी इसके बाद देखते कहाँ जाएंगे, तो केसर द दवा इज़ अ रिकमेंडेड थिंग इन अमृतसर फॉर श्योर, आप देख सकते हैं क्राउड पूरा और किचन है, तो अभी ऐसे नहीं दिखा सकता मैं, ऑलराइट। अच्छा साथ में हमने लस्सी भी ऑर्डर किया यहाँ से, तो लुक्स लाइक आई मीन ये लस्सी ऐसे में उनका रेडीमेड आता है फ्रूट लस्सी, इसका मैंने ट्राई किया है और मैं मजबूर हूँ इसको बोलने के लिए कि ये बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज मैं इसका लस्सी का लेता नहीं, हम लोग ऐसे ही खा लेते, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया इस लस्सी के लिए क्योंकि बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैन आई डोंट थिंक कलकत्ता में, सॉरी आई डोंट थिंक अमृतसर में, कलकत्ता बोल रहा हूँ मैं, अमृतसर में कोई भी गली में लस्सी बिक रहा हो और अच्छा नहीं है, ये शायद दादा हो नहीं सकता ना, अमृतसर में कोई भी गली में लस्सी मिल रहा हो और अच्छा नहीं है वो हो नहीं सकता, हर जगह अच्छा होना चाहिए क्योंकि उनका स्पेशलिटी है ये लस्सी, लस्सी पराठे दाल है? चाय इज़ नॉट फेमस, आई मीन चाय तो आसाम का है दादा, इनका नहीं है। और जैसे कि यार क्या हो गया, बटर चिकन, चिकन टिक्का, ये पंजाबी रगन जोश, हाँ तो ये सब बहुत फेमस ही आगा, तो मैं ये कैमरा ऑन किया इस लस्सी के लिए स्पेशली, ये लस्सी के लिए बहुत ही अच्छा है, देखिए इसके ऊपर एक मलाई भी होता है, मलाई लेट मी ट्राई दिस मलाई, तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा रेट लिस्ट दिखा के दूँगा, ये देखिए इनका रेट लिस्ट बहुत ही मीन कम दाम में सब कुछ मिल जाएगा, बिल देखना बहुत ज़रूरी है इसमें कैमरा में ना, तो बिल आया है हम लोग 800 883 ओके
That's it. So I think it's acha amount, good. I mean, this is good amount. I mean, pet bhar ke khaya humne. How tasty khana? Is it worth the money?